वेल गाइज, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हमारे पास होंडा की नई होंडा शाइन 100, करेंगे इसका फुल वॉक अराउंड रिव्यू और आपको बताऊंगा इस सेगमेंट में आने वाली बाइक से आपको क्या कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं होंडा शाइन 100 में। तो वीडियो के एंड तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि फ्यूचर में बाइक और कार से जुड़ा कोई भी जो अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। वेल गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक और डिजाइन। तो डिजाइन आप लोग देख सकते हो यार, नॉर्मल सा डिजाइन है, ऐसा कोई वो नहीं है कि स्पोर्टी डिजाइन है, कुछ हैवी डिजाइन है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा जो लुक है वो आपको यहाँ पे इस बाइक में देखने को मिलता है, जैसा कि होंडा की और बाइक में आता था पहले, ड्रीम योगा वगैरह वो आती थी, उसमें जो लुक आता था CD100 वगैरह। CD100 तो अभी भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो सिमिलर लुक है वो उसी से सिमिलर है। यहाँ पे बस स्टिकर ग्राफिक्स वगैरह है जो यहाँ पे इस बाइक का होंडा शाइन 125 के जैसा का जैसा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे फीचर्स जो है वो अलग है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज की गई है, जो कि आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलती जाएगी। आगे से शुरुआत करते हैं इस बाइक की। तो फ्रंट में आप लोगों को होलोजिन बल्ब के साथ एक हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे जो वाइजर है इसके ऊपर होंडा का छोटा सा स्टिकर जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर जो है वो भी नॉर्मल बल्ब वाले आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो मड गार्ड है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगी मुझे, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वालिटी डाउन नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी सुपर। होंडा ने जो है इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का बनाया है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कॉम्बी ब्रेकिंग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डिस्क तो मिलने से रहा, ओबीसी बात है 100cc की बाइक है तो डिस्क कहाँ से आएगा, और वो भी सबसे कम बजट की जो बाइक है वो है 64,000 रुपीज़ इसकी जो डेली एक्शोरूम प्राइस है वो है। और अगर ऑन रोड की बात करें तो कहीं पे जो है आप लोगों को 82,000 देखने को मिलेगी, कहीं पे 80,000 रुपये इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो होंडा की बैचिंग है वो देखने को मिल जाती है, शाइन देखने को मिल जाता है, बस यही जो है थोड़े से ग्राफिक्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। टैंक की बात करें तो यहाँ पे 9 लीटर का फ्यूल टैंक आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिलता है, जो कि 100cc की बाइक में इतना ही आता है, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, इस के आसपास ही जो है फ्यूल टैंक आप लोगों को इस सेगमेंट में आने वाली बाइक्स में जो है वो देखने को मिलता है। 677 mm की यहाँ पे सीट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्ट है, और यार इसकी जो कुशनिंग है ना वो रियल में काफ़ी सही है। होंडा की बाइक में जैसे सीट वगैरह है तो इन सब चीज़ों पे होंडा ध्यान नहीं देता, हालांकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की जाती, थोड़ी बहुत जो है LED वगैरह हेडलैम्प वगैरह यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे फिर भी यार आप लोगों को इतने प्राइस में अच्छी सीट मिल जाती है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, तो इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या। यहाँ पे नीचे आप लोगों को एग्जॉस्ट नॉब देखने को मिल जाता है, और अगर साइड प्रोफाइल की दूसरी तरफ से बात करें तो यहाँ पे जो आपको जो साड़ी गार्ड वगैरह है वो सब लोग आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका जो लुक और डिजाइन है इसके बाद, अब बात करते हैं इस बाइक के मेन इंजन के। तो इस बाइक में हमें 100cc का इंजन मिलता है, जो कि 2-valve सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन के साथ आता है, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यानी कि BS7 ही हम लोग बोल सकते हैं। और अगर पावर की बात करें तो 7.28 BHP का इसमें पावर देखने को मिलता है 7500 RPM पे, और अगर टॉर्क बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है 8.5 Nm का 5000 RPM पे। और बाकी अगर माइलेज की बात करें तो 70 से 72 किलोमीटर का माइलेज आपको इस बाइक में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है BS7 के साथ आती है, और यहाँ पे जितना इंजन को नीड होगी उतना ये जो बाइक है वो ऑयल जो है, जो पेट्रोल जो है वो कंज्यूम करेगी, तो आपको माइलेज तो है बेहतर मिलने ही वाला है, क्योंकि SP125 होंडा जो 125 है जो शाइन, उसमें ही जो है हमें 64-65 KMPL का माइलेज मिल रहा है, तो ये तो जो है 100cc की बाइक है, तो इसमें 70 से 75 किलोमीटर का माइलेज आप लोगों को। बाकी दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे हैंडल बार की, तो बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे हैंडल बार आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है लो बीम हाई बीम वाले स्विच देखने को मिल जाते हैं, हॉर्न वाले स्विच है, इंडिकेटर वाले स्विच है, और इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट स्विच आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बड़ी बात यह है कि इस बाइक में जो है हमें सेल्फ के साथ किक स्टार्ट भी देखने को मिलता है, जो कि 100cc की बाइक में सभी में ही आता है, चाहे HF डिलक्स ले लीजिए, CD100 ले लीजिए, या फिर यहाँ पे जो है अपने को स्प्लेंडर प्लस ले लीजिए, सभी जो 100 से 125cc की बाइक है इनमें जो है सेल्फ के साथ किक स्टार्ट भी आ रहा है अभी तक, तो ये सही है यार, और किक होना जरूरी है हर बाइक में, मैं तो यही बोलता हूँ अपने हर वीडियो में। 150cc की बाइक में भी अगर किक मिल जाए तो सही है ना, कहीं पे बाइक बंद हो जाए, बैटरी बैठ जाए, तो लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। बात करें यहाँ पे अगर कलर ऑप्शन की, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 5 जो कलर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला जो है वो है रेड, और यहाँ पे रेड कलर है, ग्राफिक्स का चेंज होता है बस, कलर ब्लैक टाइप का रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिक्स है उनको चेंज कर दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे पहला रेड मिलता है, दूसरा ब्लू मिलता है, तीसरा यहाँ पे ग्रीन मिलता है, चौथा जो है वो ग्रे मिलता है, और पाँचवा जो है वो यहाँ पे आप लोगों को क्रीम टाइप का कलर, डार्क जो क्रीम होते हैं ना उसका जो कलर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है।
बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे एनालॉग ही जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। एक फीचर का और बता दूँ, अगर आपकी बाइक जो साइड स्टैंड लगा हुआ होगा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो उसको हटा लीजिए। तो ये सेफ्टी को लेकर काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में अगर बात करें तो होंडा का जो ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है, जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, जो 100 और 110 cc की बाइक में आ रहा है, जैसे CD 110 हो गया और जो होंडा शाइन अभी आई है 100, तो इसमें जो है सेम ही जो ब्रेकिंग स्टम है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग स्टम। वेट की बात करें दोस्तों इस बाइक की, तो यहाँ पे 99 kg इस बाइक में कम्प्लीटली जो वेट है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एसेसरीज की बात करें तो यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह और जो ले गार्ड वगैरह है वो सारे इंस्टॉल किए हुए ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो शोरूम वाले हैं वो यहाँ पे आप लोगों से। तो दोस्तों ये हो गया होंडा शाइन 100 का एक डिटेल रिव्यू, और इस बाइक के बारे में मैं कुछ बताना भूल गया हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।